वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है मूंग दाल हलवा। मूंग दाल हलवा हमें काफ़ी पसंद किया जाता है, हम आम घरों में बनाते भी हैं, आम कई तरह से बनाया जाता है। स्पेशली हम दाल को भिगो के फिर पीस के फिर बनाते हैं, और ज़्यादा उसमें टाइम भी बहुत लगता है और चिपकना शुरू हो जाता है कि सिर दर्द का काम लगता है। तो मैं आज आपको इजी रेसिपी बताऊंगी। इसको ना हमें भिगोना पड़ेगा ज़्यादा देर, ना हमें इसको पीसना पड़ेगा। तो उसके लिए हम मैंने ये देखा मूंग की दाल ली है, ये देखिए एक कप ली, ये पीली वाली दाल होती है ये देखिए। अब इसको हम इसमें भिगोएंगे, सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए भिगोएंगे इसको। ये मैंने डाल दिए मूंग दाल है, इसमें काफ़ी सारा थोड़ा सा पाउडर सा यह होता है, तो इसको अच्छी तरह से इसको मिक्स कर। एक से दो बार धोएंगे इसको और इसको हम भिगो के रख देंगे। ये देखिए अब कितना एक पानी में वाइट वाइट सा दिख रहा है। इसी प्रकार एक से दो बार धो के मैं इसको भिगो के रखूँगी। ये देखिए हम दो बार धो लिया इसको दाल को। अब हमें इसको थोड़ा सा पानी डाल के ये दाल भीग जाए इसने में भिगो के रख देंगे। कम से कम 10 मिनट आप रखिए, उसके बाद हम इसको ढक के रख देते हैं। तो 10 मिनट बाद हम इसको छान के फिर मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बताती हूँ। तो 10 मिनट हो गए, तो अब हम इसको हम छान लेते हैं। ये देखिए फूल गई है काफ़ी, सिर्फ 10 मिनट भिगोना है, इससे ज़्यादा नहीं भिगोएंगे हम इसको छान के। अब देखिए हमने दाल छान ली है, सारा पानी निकल चुका है। तो अब हम एक कढ़ाई लेंगे और गैस ऑन करते हैं, और इसको हम दाल को हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है, यानी कि इसको भूनेंगे हम। मैंने दाल डाल दिए, अब इसको हम भूनेंगे कम से कम 10 मिनट, जब तक ये लाल नहीं हो जाती और खुशबू आनी शुरू नहीं हो जाती, मॉइस्चर सारा इसका निकल जाए तब तक हम इसको भूनेंगे। कम से कम 10 मिनट लग जाते हैं इसमें, तभी हम भूनते हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 10 मिनट इसको भून लिया है ड्राई रोस्ट, इसका मॉइस्चर भी ख़त्म हो गया और ये भुन भी गई है, उसका कलर भी चेंज हो गया। इसको कम से कम 10 से 12 मिनट तो हमें भूनना ही पड़ता है। जितना आप अच्छा भूनेंगे उतना अच्छा कलर हलवे का आएगा। अब हम क्या करेंगे, धीमी आंच करके 1 चम्मच इसमें बड़ा वाला बेसन डाल देंगे, बेसन को भी बीच में भून लेंगे। अभी इसको 2 मिनट में और भूनती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 1 बड़ा चम्मच बेसन डाल के मैंने 2 मिनट भून लिया। अब हम गैस बंद कर दिया। अब हम ये दाल और बेसन का जो ये हम इसको ठंडा करने के लिए एक बड़ी प्लेट में रख देंगे। फिर मिक्सर ग्राइंडर में इसको थोड़ा सा दरदरा पीसेंगे। अभी जब तक ये ठंडा होता है नेक्स्ट स्टेप हम अपना कर लेते हैं। ये दाल और हमारा बेसन जो 1 चम्मच डाला था ठंडी हो गई है, तो हम मिक्सर ग्राइंडर का ये वाला जार लेंगे छोटा वाला, इसको हम पीसेंगे। बस जस्ट 30 सेकेंड करके 3 बार पीसेंगे, एक बार में तो दरदरा सा ही पीसना। देखा 2 बार मैं इसको पीस, मैंने पीस लिए दाल, दरदरी सी थोड़ी पीसी है, ये दाने दाने थोड़े होंगे इस पर, तो ये हमने 2 बार पीस ली थी। ये दाल पीस कर तैयार है। अब हम नेक्स्ट इसको बनाना शुरू करते हैं हलवे को। 1 कप जैसे दाल ली थी तो उसके लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो इस प्रकार है। 1/2 कप भी हम लेंगे चीनी, 1/3 कप हम लेंगे देसी घी, और 1 कप लेंगे हम दूध, 1 कप भी पानी लेंगे, बाकी हम ड्राई फ्रूट लेंगे जितना भी आप चाहें ले सकते हैं। 2-3 इलायची हैं ग्रीन वाली, वो मैंने कूट के रख ली हैं, तो बाकी थोड़ी सी मैं मलाई भी डालूंगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कढ़ाई रख के इसमें थोड़ा सा घी डालते हैं। थोड़ा गर्म हो चुका है, 2 चम्मच डाल दिया, इसमें हम 8 से 10 बादाम जो कटे हुए हैं वो डाल देंगे, और 10 से 15 काजू हैं ये डाल देंगे। इनको थोड़ा सा भून लेते हैं। हमारे भून गए हैं, आँच हमने धीमी कर दी है, और ये किशमिश भी डाल देंगे, और इसको भी 30 सेकेंड तक ऐसे थोड़ा सा भून लेते हैं। फिर हम इसको निकाल लेंगे, फिर हम अपनी दाल भूनेंगे। हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट कर लिए हैं यानी कि तेल में। अब हम क्या करेंगे, चीनी और पानी को घोलेंगे, यानी 1 कप मैंने ये पानी लिया, जो भी आप मेजरमेंट जिसका ले रहे हैं वही, अगर कटोरी का ले रहे हैं तो कटोरी डालिएगा। 1/2 कटोरी चीनी डालेंगे, 1/2 कप यानी कि मैं चीनी डालूंगी इसमें। तो इसको घुलने देंगे, चाशनी नहीं बनानी, जस्ट घुलने देंगे इसको।
अभी हम इसको पीछे वाली गैस में रख के अपना प्रोसीजर आगे कर सकते हैं। पानी और चीनी में 2 से 3 इलायचियाँ तोड़ कर हम डाल देंगे ताकि इसमें फ्लेवर आ जाए। और अब हम क्या करेंगे, इसमें जो घी हमारा बच गया था कढ़ाई में, इसमें हम 2 बड़े चम्मच और बड़े चम्मच घी डालेंगे। घी हमारा गर्म हो जाए, आँच थोड़ी धीमी रखेंगे अभी। अब ये जो हमारी दाल पिसी हुई थी इसमें डालेंगे और लगातार इसको चलाते हुए भूनेंगे जब तक कि खुशबू आनी शुरू ना हो जाए। 5 मिनट हो गया लगातार हमें चलाते हुए, इसको इसकी खुशबू आनी शुरू हो गई है। जो हमने दाल पहले भूनी हुई थी तो इसलिए ये जल्दी भुन जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और ये हमारी चीनी और पानी में इलायची भून गई है, हमने गैस बंद कर दी है। तो अब हम गैस थोड़ी सी कम करते हैं इसमें और 1 बड़ा चम्मच घी और डाल देते हैं। दाल भुन चुकी है और इसमें बुलबुले भी उठने शुरू हो गए हैं, आप देख सकते हैं ये फूलने सी शुरू हो गई है। गैस बिल्कुल धीमी कर देंगे और इसमें हम 1 कप जो दूध लिया था वो डाल देंगे और लगातार हिलाएंगे। अब जो हमने चीनी और पानी डाला था इलायची के साथ वो भी डाल देंगे, इसको हिलाएंगे। आँच हमने अभी धीमी रखी है, अभी इसको मिक्स करके फिर थोड़े से हम इसको मीडियम कर लेंगे। इसमें घी ज़्यादा नहीं डाला, 3/4 कप लिया था, अभी भी हमारे पास काफ़ी बचा हुआ है। तो आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ड्राई फ्रूट अपना तेल में घी में भून के रखा था वो इसमें आधा डाल देते हैं। और हमारे पास ये मलाई है, 2 चम्मच ताज़ी मलाई दूध की जो घर में निकलती है वो भी डाल। अब इसको भूनेंगे 2 से 3 मिनट। थोड़ा सारा इकट्ठा होना शुरू हो गया, यानी ये बन गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास घी था इसमें 1-2 चम्मच हम इसमें घी और डाल देंगे। इसमें घी अच्छी मात्रा में डाला जाता है। आँच बिल्कुल धीमी कर देंगे इसकी। घी और थोड़ा सा और डाल दिया और अब इसको ढक के 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे बिल्कुल दम देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमने घी डाल के इसके 2 चम्मच दम दे दिए। ये देखिए हमारा ये घी छोड़ दिया इसने। ये हमारा बन के तैयार है दाल का हलवा, बिना भिगोए हमने बिना पीसे इसको झटपट बना दिया। और हमने चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। मैंने आधी कटोरी डाली है, आधा कप यानी कि जो भी आप कप लेंगे या कटोरी लेंगे उसका मेजरमेंट आपको चाहिए। ये हमारा बन के तैयार है, हम गैस बंद कर देते हैं। अब इसको डिश आउट करते हैं, हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। अब कभी भी किसी भी टाइम बना के खा सकते हैं, कोई ज़्यादा भिगोने की ज़रूरत नहीं है। पूरी रात दाल भिगोएं फिर पीसें इसे। हमारा मूंग दाल का हलवा गर्मा गर्म बनकर तैयार है। सर्दियों में एंजॉय कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा और बड़ा इजी वे है बनाने का, तो कोई मुश्किल नहीं। मार्केट में बड़ा महंगा मिलता है, अगर आप घर में बनाएंगे तो बड़ा आपको इकोनॉमिकल और बड़ा आसानी से बन जाता है। तो आप बनाइए, खाइए। अगर मेरे ये पसंद आती है रेसिपी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।